हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रितेश और आप देख रहे हैं स्पीड 16। गाइस, किया सोनेट लॉन्च होने वाली है जल्द ही और लोग इसके बारे में जानना चाहते हैं। ऑलरेडी इसकी 10,000 कार्स की बुकिंग हो चुकी है, लोगों के सर चढ़कर इसका क्रेज बोल रहा है इस वक्त। तो आज इसलिए मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ इसकी ट्रिम लाइन्स। उस ट्रिम लाइन में आपको क्या इंजन ऑप्शंस, क्या ट्रांसमिशन ऑप्शंस मिल रहे हैं वो आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, और कौन से कलर वेरिएंट आपको इसमें मिल रहे हैं वो मैं आपको इसमें बताऊंगा। इसके अलावा कंपैरिजन होगा सभी ट्रिम लाइंस का, जो इसकी 6 ट्रिम लाइंस हैं उनका एप्पल टू एप्पल कंपैरिजन करूंगा और आपको बताऊंगा कि कौन सी ट्रिम लाइन आपके लिए बनी है। सेफ्टी फीचर्स कंपैरिजन होगा, कंफर्ट का कंपैरिजन होगा। इसके अलावा एक्सटीरियर में, इंटीरियर में क्या फीचर्स आपको किस ट्रिम लाइन में मिल रहे हैं वो कंपैरिजन होगा, और बहुत ही सिंपल वे में ताकि आप समझ पाएं और जज कर पाएं कि आपको कौन सी कार खरीदनी है, कौन सा वेरिएंट इसमें खरीदना है। सो मेक श्योर आप इस वीडियो को एंड तक देखें, और अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी जाके सब्सक्राइब बटन को दबा दें और बेल आइकन को दबा दें मेरी नेक्स्ट वीडियोज़ की अपडेट के लिए। सो स्टार्ट करते हैं गाइस आज के वीडियो को। स्टार्ट करते हैं सबसे पहले इंजन और इसके ट्रांसमिशन से। सबसे पहले बात करेंगे HTE वेरिएंट की, जो सबसे बेस वेरिएंट है इसका। इसमें आपको सिर्फ एक ही इंजन और ट्रांसमिशन मिलता है ऑप्शन, जिसमें 1.2 लीटर का आपको इंजन मिलता है विद 5 मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अलावा HTK वेरिएंट में आपको 1.2 लीटर का इंजन मिलता है और 5 मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा HTK में आपको 1.5 लीटर का CRDI इंजन मिलता है, जिसमें 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। इसके बाद HTK प्लस वेरिएंट में आपको स्मार्ट स्ट्रीम 1.2 लीटर का इंजन मिलता है विद 5 मैनुअल ट्रांसमिशन। इसके अलावा 4 और ऑप्शन आपको इस वेरिएंट में मिलते हैं, जिसमें कि 1.0 TGDI 6 IMT ट्रांसमिशन आपको मिलता है। इसके अलावा स्मार्ट स्ट्रीम 1.0 TGDI 7 DCT इंजन आपको इसमें मिलता है। इसके अलावा 1.5 लीटर CRDI 6 मैनुअल ट्रांसमिशन आपको मिलता है। इसके अलावा 1.5 लीटर CRDI 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है। इसके बाद बात करते हैं HTX की। HTX में आपको स्मार्ट स्ट्रीम 1.0 लीटर का TGDI 6 IMT ट्रांसमिशन मिलता है। इसके अलावा 1.5 लीटर का CRDI 6 मैनुअल ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलता है। HTX प्लस वेरिएंट में आपको 2 इंजन ऑप्शंस मिलते हैं, जिसमें कि आपको 1.0 TGDI 6 IMT का ट्रांसमिशन मिलता है। इसके अलावा आपको 1.5 लीटर CRDI 6 गियर मैनुअल ट्रांसमिशन आपको इसमें मिलता है। इसके बाद जो सबसे टॉप मॉडल है GTX प्लस स्मार्ट स्ट्रीम 1.0 TGDI 6 IMT इसमें आपको मिलता है। स्मार्ट स्ट्रीम 1.0 TGDI 7 DCT ट्रांसमिशन इसमें आपको मिलता है। इसके अलावा आपको 1.5 लीटर CRDI 6 मैनुअल ट्रांसमिशन ऑप्शन इसमें मिलता है, और 1.5 लीटर CRDI 6 ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन इसमें आपको मिल जाते हैं। तो ये तो थी इंजन और ट्रांसमिशन की बात। अब बात करते हैं इसमें कलर वेरिएंट की, क्या कलर वेरिएंट आपको मिलते हैं किस ट्रिम लाइन में। सो गाइस बने रहिए, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। अगर बात करें कलर्स की, तो HTE में आपको क्लियर वाइट, इंटेंस रेड, सिल्वर, स्टील सिल्वर और ग्रेविटी ग्रे आपको मिलता है। ये ही सेम ऑप्शन आपको HTK वेरिएंट में भी मिलता है, और HTK प्लस वेरिएंट में ये ऑप्शंस आपको कलर के मिलते हैं। HTK वेरिएंट में आपको 3 एक्स्ट्रा ऑप्शन और कलर के मिलते हैं, जिसमें ऐड हो जाता है अरोरा ब्लैक पर्ल, बीच गोल्ड, इंटेलिजेंसी ब्लू। इसके अलावा HDX में भी आपको सिमिलर कलर्स मिलेंगे जो HTK प्लस में आपको मिलते हैं। इसके अलावा HTX प्लस में आपको ड्यूअल टोन के ऑप्शन मिल जाते हैं, जो सिमिलर आपको HTX लाइन में कलर मिल रहे हैं वही आपको HTX प्लस में और GTX प्लस में आपको मिलेंगे। इसके अलावा आपको ड्यूअल टोन के ऑप्शंस मिल जाएंगे, जिसमें 3 ड्यूअल टोन ऑप्शन आपको मिलते हैं, वाइट पर्ल प्लस ब्लैक, बीच गोल्ड प्लस ब्लैक और रेड प्लस ब्लैक के ऑप्शन आपको मिलते हैं। आप स्क्रीन पे भी देख सकते हैं जो ऑप्शंस मैंने बताए हैं।